पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज द्वारा। सावधान समाधान, आप भी अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपना प्रश्न अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें व्हाट्सएप नंबर 8003040409 पर भेज सकते हैं। महेंद्र जैन इंदौर। पंथाग्रही श्रवण से श्रावक तो तत्कालिक श्रद्धा से नियम लेकर बंध गया, वह तो पंथों की गहराई में जाता नहीं। अब यदि श्रावक उस नियम के अनुसार चलता है तो उसमें उसका क्या दोष है? देखिए, नियम आप किसी से भी लें, अगर आपको ये लगता है कि पंथाग्रह का नियम है तो नियम गलत है, मिथ्या है। पंथों के नियम ले ही नहीं जा सकते। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि दूसरे संत के दर्शन मत करना, तो ये नियम नहीं हो सकता। नियम तो पाप को घटाने के होते हैं, नियम पाप को घटाने के होते हैं, बढ़ाने के नहीं होते। पहले नियम की व्याख्या सुने, जिनसे हमारी अशुभ प्रवृत्तियां मिटें, जिनसे हमारे गलत कार्य रुकें, जिनसे हमारे पाप की ओर जाने वाले भाव मिटें, वो उनको रोकने के नियम होते हैं। अगर साधु के पास जाने से रोक रहा है या किसी पंथ की बात कर रहा है तो वो साधु होने के लायक नहीं। उसे डर है कि मैं कितने अपने शिष्य बना लूँ, कितनों को बताऊँ कि देखो मेरे 200,000 हैं, तो शिष्य बनाने में लगा, आपको नियम देने में लगा, आप फंसे हैं नियम में, समझ गए ना। ऐसे नियम कभी भी हानिकारक, अने ऐसे नियम लिए तो अबुद्धि की कहलाते हैं या अज्ञान के लिए, ऐसे नियम को तुरंत तोड़ देना चाहिए तात्कालिक। हमने सत्य के, अब शादी में नियम लेते हैं लोग, है ना, हम ईमानदारी से जिएंगे। मैंने तो ऐसे दूल्हे देखे जो माला डलवाने जा रहे हैं, दूसरी कन्या को लाइट मार रहे हैं। बोलिए, वो कसम भी खा रहा है और आते आते ही बात कर रहा, दुल्हन से बात नहीं कर रहा। तो ऐसे नियम नहीं होते, नियम विवेक पूर्वक लिए जाते हैं और लिए तो उनको विसर्जन। अगर आप पैसे दे के गलत सामान लाते हैं तो या तो वापस करने जाते हैं या फेंक देते हैं, है ना, नहीं हो सकते। इसलिए तोड़ देना चाहिए उन नियमों को। हमें भगवान से मतलब है, अपने उद्धार से मतलब है, ऐसे नियमों से क्या कारण। ऐसा सोना किस काम का जिससे कान कटे, ऐसा नियम किस काम से मेरा जीवन बंधन में बंधे।